श्री गुरु नानक देव जी के वंशजों बाबा सर्वजोत सिंह बेदी और अमरजोत सिंह बेदी द्वारा ऊना प्रशासन को कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में सहयोग करने के लिए मेडिकल उपकरण, ऑक्सीजन रेगुलेटर, मास्क, सैनिटाइजर दिए गए। इसके साथ ही उनके द्वारा बाबा बेदी गुरुद्वारा साहिब की एम्बुलेंस को भी कोरोना संकट में प्रयोग के लिए प्रशासन को सौंपा गया। समय समय पर समाज में विभिन्न प्रकार से सहायता करने वाले बाबा बेदी गुरुद्वारा साहिब की तरफ से बाबा अमरजोत सिंह बेदी ने स्वयं डीसी ऊना राघव शर्मा से मिलकर उन्हें मेडिकल उपकरण और एम्बुलेंस सौंपी। उन्होंने इस कोरोना संकट में उनके द्वारा प्रशासन का हर संभव सहायता व सहयोग प्रशासन को किए जाने का भरोसा दिया। हमारे पास गुरुद्वारे की एम्बुलेंस है, इमरजेंसी में यूज करते हैं। तो महामारी का समय है, सो बाबा जी ने कहा था जब तक कोविड के लिए इनकी एम्बुलेंसेज थोड़ी सी कम पड़ रही थी, सो जब तक इनको ज़रूरत होगी तब तक हमने इनको हैंडओवर कर दी हुई एम्बुलेंस, और इसके साथ थोड़ी सी ऑक्सीजन के रेगुलेटर्स और मास्क में कमी आ रही थी, सो उसको पूरा करने के लिए हमने लगभग 40 रेगुलेटर्स और 200 मास्क प्रदान किए गुरुद्वारा और बाबा जी की तरफ से। गौरतलब है कि प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के वंश से जुड़े होने के कारण बाबा बेदी परिवार काफी प्रभावी है। वहीं डीसी ऊना ने इस सहयोग के लिए बाबा बेदी परिवार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी ऐसी संस्थाओं के सहयोग से प्रदेश सरकार जल्द ही कोरोना संकट पर अंकुश लगा सकेगी। उन्होंने इस दिशा में तेजी से प्रयत्न किए जाने का भरोसा भी दिया। और जो मास्क कोविड पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए यूज होते हैं वो प्रदान किए गए। हम अमरजोत जी का और बेदी जी का धन्यवाद करते हैं सहयोग के लिए, और ये जो एम्बुलेंस है वो स्वास्थ्य विभाग को डिलीवर किया जाएगा और हमारी